Hello everyone, welcome to my channel e-English Study. Please like and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to get the latest notification. तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है प्रोनाउन पार्ट 3, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउंस. ओके, तो फ्रेंड्स, रिलेटिव प्रोनाउन से बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से, यानी कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब है. डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी प्रत्येक को कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर देना. जैसे ईच, आइदर, ईच, इधर, निधर, नन, बन, बोथ, एनी, ऑल, ये सभी हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं फ्रेंड्स. इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है. ओके, और एक और बात फ्रेंड्स, ये वन एट अ टाइम, यानी एक समय पे एक ही व्यक्ति का बोध कराते हैं. ओके, तो चलिए कहाँ पे ईच लगाएंगे, ईच किस जगह लगाते हैं, आइदर, यानी इनको किस तरीके से यूज किया जाता है देखते हैं. तो फ्रेंड्स, ईच का यूज़ दो के लिए और दो से अधिक के लिए भी किया जाता है. इधर का यूज केवल दो के लिए ही किया जाता है, जो हमारा पॉजिटिव है. इधर का मतलब होता है प्रत्येक. निधर का मतलब कोई नहीं. इसका यूज़ नेगेटिव फॉर्म में किया जाता है दो के लिए. नन का यूज़ भी नेगेटिव फॉर्म में किया जाता है मोर देन टू के लिए, यानी नन मीन्स कोई नहीं. बोथ का यूज़ केवल और केवल दो के लिए पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है. बन का यूज मोर देन टू के लिए किया जाता है फ्रेंड्स. और एनी का यूज़ भी मोर देन टू के लिए किया जाता है. ऑल का यूज भी मोर देन टू के लिए किया जाता है. तो इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं इसको. ओके, फार्मूला के द्वारा किस तरीके से इसको बनाया जाता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जैसे मैंने ये दो फार्मूलाज दे रखे हैं, जैसे ईच, इधर, निधर, बन, नन का यूज जब ऑफ के साथ किया जाता है, तो जो ऑफ के बाद जो नाउन आता है फ्रेंड्स, वो प्लूरल होता है, जो फॉर्मूला में आप देख रहे हैं, और वर्ब सिंगुलर ही रहती है. ओके, और बिना ऑफ के जब यूज किया जाता है इनको, तो नाउन जो आएगा वो सिंगुलर होगा और वर्ब हमारा सिंगुलर होगा. फॉर एग्जांपल, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट, यानी कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जा रहा है. ईच का यूज यहाँ पर दो से अधिक के लिए किया जा रहा है. ओके, अगला एग्जांपल है, ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स विल विन द रेस, यानी कि दो स्टूडेंट्स के लिए ईच का यूज किया गया है. अगला है, इधर ऑफ टू स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट, यानी कि दोनों में से प्रत्येक स्टूडेंट क्या है, इंटेलिजेंट है. ऐसे ही निधर ऑफ द टू स्टूडेंट्स इज ऑनेस्ट, यानी कि दोनों में से प्रत्येक स्टूडेंट्स ऑनेस्ट है. अगला एग्जांपल, एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज हैप्पी, यानी हर एक स्टूडेंट खुश था, यानी प्रत्येक स्टूडेंट्स में से प्रत्येक स्टूडेंट्स खुश था. अब बिना ओके नाउन के यूज ऑफ के यूज देखते हैं. जैसे एवरी वन इज इंटेलिजेंट, हर कोई इंटेलिजेंट है, प्रत्येक इंटेलिजेंट है. ऐसे ईच बॉय विल गेट द प्राइज. ओके, तो फ्रेंड्स, ये थे इसके एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के. ओके, अब अगला प्रोनाउन देखते हैं, जो है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आर यूज फॉर मेकिंग क्वेरीज और आस्किंग क्वेश्चंस. ओके, यानी इनका यूज वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आप देख रहे हैं हु, whom, whose, which एंड what, ये हमारे फ्रेंड्स इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं. ओके, जब भी हम हु का यूज करेंगे तो वो सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कौन या किसने. इसके अलावा हु का ऑब्जेक्टिव केस होता है whom, जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किसे, किससे, किसके या फिर किसको. अगला आप देखेंगे हुज ऑनर को शो करता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किसका या फिर किसकी. ओके, अगला यूज आप देखेंगे फ्रेंड्स विच का हिंदी मीनिंग होता है कौन सा या कौन सी. ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही रूप में इसका यूज किया जाता है, चॉइस के लिए भी इसका यूज किया जाता है. ओके, इसके अलावा वॉट है, वॉट का यूज सब्जेक्ट के रूप में भी किया जाता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी किया जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है क्या. ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. ओके, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए. जैसे पहला एग्जांपल है हु इज ही, यानी कि वह कौन है. दूसरा एग्जांपल है हु इज गोइंग टू मार्केट, यानी कि बाजार कौन जा रहा है, यानी कौन बाजार जा रहा है, जो हमारा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स. ऐसे ही हुम डू यू वॉन्ट टू टॉक, आप किससे बात करना चाहते हैं. यू सब्जेक्ट है, यानी हुम हमारा ऑब्जेक्ट है. अगला एग्जांपल है वॉट इज योर नेम, और वॉट का दूसरा एग्जाम्पल है वॉट आर यू डूइंग, यानी कि आप क्या कर रहे हैं. यहाँ पे आप जो हैं सब्जेक्ट हैं और क्या कर रहे हैं, वो वर्क क्या है, तो वॉट हमारा ऑब्जेक्टिव केस है फ्रेंड्स.
इसके अलावा विच इज योर पेन, विच पेन डू यू लाइक, यानी चॉइस के लिए बात की जा रही है. ऐसे हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है. ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी. हु हमारा सब्जेक्टिव केस होता है, हुम ऑब्जेक्टिव केस होता है. ओके, वॉट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए यूज किया जाता है, विच भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके अलावा चॉइस के लिए. ओके, हुज ऑनर को शो करता है. ओके, अगला रिलेटिव प्रोनाउन. तो फ्रेंड्स, रिलेटिव प्रोनाउन से आप समझ रहे हैं यानी कि ये दो व्यक्तियों के बीच रिलेशन को मेंटेन करता है, यानी रिलेट करता है, यानी दो या दो से अधिक सेंटेंस के बीच रिलेट करता है, रिलेशन को मेंटेन करता है, जोड़ने का कार्य करता है. जैसे हु है, हुम है, हुज है, यानी वही सारे वर्ड्स हैं, इसमें केवल दैट बढ़ जाता है. फ्रेंड्स, ये भी सारे हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं. हु का यूज जो है सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, जो पर्सन और पेट एनिमल के लिए. हुम का यूज भी पर्सन और पेट एनिमल के लिए किया जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में. हुज हमारा सेम वे में, ओके, ऑनर की तरह ही ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, जो लिविंग एंड पेट एनिमल के लिए. विच जो हमारा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव केस होता है फ्रेंड्स, ओके, के रूप में इसका यूज किया जाता है, थिंग्स और एनिमल्स के लिए. दैट का यूज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, लेकिन पर्सन, एनिमल और थिंग कंडीशन के आधार पर हर जगह किया जाता है इसका यूज. ओके, तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं. जैसे आई लाइक द बॉय हु हेल्प्स द पुअर, यानी कि आई लाइक द बॉय, मैं उस लड़के को पसंद करता हूँ जो गरीबों की मदद करता है. तो हु यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है फ्रेंड्स. ओके, जो अगला एग्जांपल है, दिस इज द गर्ल हुम ऑल एडमायर, यानी ये वही लड़की है जिसकी सब, ऑल मीन्स सब, ऑल यहाँ सब्जेक्ट हैं, ऑल एडमायर सब प्रशंसा करते हैं. तो हुम हमारा ऑब्जेक्टिव केस है फ्रेंड्स. अगला एग्जांपल है, ऑल द पीपल हु ज्वाइन द पार्टी आर हैप्पी, यानी सभी लोग जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी खुश हैं. ओके, तो ये हमारा हु जो है सब्जेक्ट का रूप में, सब्जेक्ट का काम कर रहा है. अगला है, दिस इज द बॉय हुज पेरेंट्स, यानी ऑनर हुज पेरेंट, जिसके कि पिता हैव डाइड, मर चुके हैं, ये वही लड़का है. ओके, अगला है, अ गर्ल हुज हेयर इज करली, यानी कि जिसके वाल करली हैं, लुक्स ब्यूटीफुल, अच्छी दिखती है, यानी ब्यूटीफुल दिखती है. अगला एग्जांपल है, डॉग, द डॉग हुज कलर इज वाइट इज माइन, यानी कि वो कुत्ता जिसका कलर वाइट है वो मेरा है. ओके, अगला एग्जांपल है, द बुक विच आई परचेज यस्टरडे इज यूजलेस, जो किताब मैंने कल खरीदी थी वो यूजलेस है. ओके, अगला एग्जांपल है, The book that I found yesterday is yours. जो कल मुझे किताब मिली थी वो तुम्हारी है. तो आप देख रहे हैं that का यूज़ नॉन लिविंग और एनिमल और लिविंग बींग के साथ भी किया जाता है. ऐसे I know what you want to say. मैं जानता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं. अगला एग्जाम्पल है और आखिरी है, What he told you is not correct. ओके, यानी जो आपने कहा है वो सही नहीं है. तो फ्रेंड्स, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी. बहुत जल्दी ही मैं रिलेटिव प्रोनाउन की प्रैक्टिस वाली एक वीडियो लाने वाला हूँ. ओके, तो बने रहिएगा अगले नेक्स्ट सेशन में, और आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से मैं क्लियर कर दूँगा.